सऊदी अरब में कुछ औपचारिकताओं की कमी के चलते रविवार को समैला के पारगी गांव निवासी सुरेश कुमार का शव रिलीज नहीं हो पाया। बता दें कि सुरेश कुमार सऊदी अरब में पिछले 8 सालों से एक कंपनी में प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी करता था, जिसकी मौत 7 जून को सऊदी अरब के एक अस्पताल में कोरोना वायरस के चलते हुई। अभी तक सुरेश कुमार का शव अस्पताल में ही है। औपचारिकताओं को पूरा करते हुए 14 जून रविवार का पूरा दिन निकल गया। उम्मीद है कि सुरेश कुमार का शव 9वें दिन आज सोमवार को रिलीज होगा। जानकारी के अनुसार पोस्टमार्टम से संबंधित और अस्पताल की तरफ से एनओसी नहीं मिलने के चलते रविवार को शव को रिलीज नहीं किया गया। सऊदी अरब में अपने सूत्रों से बॉडी को रिलीज करवाने में जुटे प्रदेश के प्रमुख समाज सेवी चंद्रमोहन शर्मा ने बताया कि कुछ औपचारिकताओं को पूरा करते हुए रविवार को शव रिलीज नहीं हो पाया। अब शव को सोमवार को रिलीज किया जाएगा। सुरेश कुमार के शव को रिलीज करवाने और उनके परिवार तक प्रत्येक जानकारी पहुंचाने में समाज सेवी चंद्रमोहन शर्मा अहम भूमिका निभा रहे हैं। सुबह से ही भारतीय दूतावास हॉस्पिटल के साथ तथा जो वहां पे ऑनर है, कंपनी के मालिक है, उनके साथ संपर्क में थे। करीबन 6-7 घंटे हम पत्राचार करते रहे। कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए थे, वो हमने भेजे। अब जो स्थिति है इस समय की, वो ये है कि अभी 3 रिपोर्ट्स आएंगी, उसके बाद ही अंतिम संस्कार होगा। एक रिपोर्ट वहां से आएगी, वो आएगी पुलिस से, एक रिपोर्ट आएगी हॉस्पिटल से और एक रिपोर्ट आएगी भारतीय दूतावास से। इन सब का आपस में कनेक्शन है। जब तक पुलिस वहां पे अपनी रिपोर्ट हॉस्पिटल को जमा नहीं करवा देता, वहां की पुलिस जब तक अपनी रिपोर्ट हॉस्पिटल को नहीं दे देती, तब तक हॉस्पिटल वाले मेडिकल रिपोर्ट नहीं निकाल सकते। और जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट हॉस्पिटल वाले निकालेंगे, ये पुलिस रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट दोनों भारतीय दूतावास में जाएंगी, फिर भारतीय दूतावास वहां पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देगा, एनओसी देगा, उस एम्प्लॉयर के नाम से, उस ऑनर के नाम से। उसके पश्चात ही सुरेश जी का जो अंतिम संस्कार है वो हो पाएगा। हमारी पूरी कोशिश है कि कल के दिन में हम पुलिस आज वहाँ हॉस्पिटल में जाइए, उन्होंने अपनी सारी इंक्वायरी कर ली है, कल हमें पुलिस रिपोर्ट मिल जाएगा और कोशिश करेंगे कल ही शाम तक हमें वहाँ से हॉस्पिटल से मेडिकल रिपोर्ट मिल जाए। सरकाघाट से विजय की रिपोर्ट।